नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो अधीनस्थ मंत्रालय में महिलाओं के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट आई है रिजर्व, उसके लिए है। देखिए, आप घर से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मित्र वाले की दुकानदार की जरूरत नहीं है। आपको RSM SSB डालना है और जो पहली वेबसाइट खुलेगी ऑफिशियल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर जो है यही है, इस पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। ये आपको डिटेल्स देगा आगे की। यहाँ हम एक मेल कैंडिडेट के SSID से खोलेंगे फॉर्म को, लेकिन इस टाइम SSO में काफ़ी एरर्स चल रहे हैं। किसी और की ID पासवर्ड से किसी और की प्रोफाइल भी खुल जाती है, तो इस तरीके से ध्यान रखें। जो भी अप्लाई करें, डबल श्योर कर लें कि आप ही की डिटेलें हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको केयरफुली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिटेल्स हैं। अब आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है, ये सीधा आपको SSO से ले जा के रिडायरेक्ट कराएगा। वहाँ पे अपने ID पासवर्ड डालना है। हम यहाँ पे हमारे एक मेल स्टूडेंट के डालेंगे, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट के डिटेल्स हम यहाँ ऑनलाइन वीडियो में लिख नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ लॉगिन कीजिएगा। देखिए, यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है आपको। माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। ऑल रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सेकंड नंबर पे वही है, इसके सामने जो अप्लाई नाउ दे रखा है उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको रिडायरेक्ट कराएगा अप्लाई पेज से। इस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, जस्ट ये देखिए, यही वो एरर है। अभी हमने ऊपर देखिए विश्राम मीना की जो ID है वो डाली है। नीचे देखिए ये कहीं और का ही डिटेल खुल रही है, किसी अलग ही फीमेल का खुला है। देखिए, तो इस ID का हमसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये स्टूडेंट हमारा है। लेकिन ये देखिए डिटेल किसी और की आ रही है, इसके ID पासवर्ड से। इसी की बात कर रहा था मैं आपसे, आप अप्लाई करें तो इस चीज़ का मुख्य तौर पर ध्यान रखें कि आपकी डिटेल से किसी और की भी। अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, SSO का एरर है। ठीक है, किसी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो इस तरीके से मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसी में देख लीजिए, आपको ये ऐसे ऐसे चीज़ें कर करके आगे जाना है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स तो आप सबको फिल करना आती है। यहाँ पे देखिए, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं फिल नहीं कर सकता क्योंकि फॉर्म लॉक हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से आगे आप जा सकते हैं। और आगे तो बस फोटो साइन का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ उनके सिलेबस कहाँ मिलेंगे, और जिनके सिलेबस अभी नहीं आए उनके सिलेबस कहाँ अपडेट होंगे। ठीक है, देखिए ये सिलेबस सेक्शन है, यहाँ पे आप सारे सिलेबस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, हर प्रत्येक पोस्ट के अलग अलग डाले हुए हैं। ये देखिए, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो बने रहिए आंसर की एजुकेशन के साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स के लिए। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।